वो धमका रहा था। देखिए बट वेल्ड, बट वेल्ड, अब बट वेल्ड पढ़ेंगे ना फिर बट वेल्ड का न्यूमेरिकल ऐसे पढ़ा जाता। चौथा लिखिए, लिखिए जब दो प्लेटों को, और लिखिए बट वेल्ड में लिखिए भाई, जब दो प्लेटों को हाँ बट वेल्ड हेडिंग रहेगा। लिखिए जब दो प्लेटों को सिरे से सिरे सटाकर, जब दो प्लेटों को सिरे से सिरे सटाकर वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है, वेल्ड द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे बट वेल्ड कहते हैं। नहीं भाई, बेल्डिंग में कवर प्लेट का यूज नहीं होता है, रिवेटिंग में कवर प्लेट का यूज। अब देखिए ये प्लान है आपका और ये एलिवेशन है, ठीक है, है ना। देखिए क्या कर दिया हम, वेल्ड कर रहे हैं, देखिए वेल्ड कर रहे हैं, बनाइए बनाइए बनाइए, यहाँ क्या कर दिया हम, देखिए वेल्ड कर दिए, बना लीजिए, देखेंगे एक्सपेरिमेंट करने में क्या दिक्कत है। नहीं नहीं आएगा, क्लियर ही आएगा। आप कर लीजिए ना, टॉर्जन, टॉर्जन मूवमेंट लिखिएगा, अरे वही है टॉर्जन को हम टॉर्जन कहते हैं। लिखिएगा अगला हेडिंग, लिखिएगा टाइप ऑफ बट वेल्ड, नहीं नोट करके लिखिए, नोट लिखिए तो एक एक नोट लिखिए, नोट लिखिए, लिखिए बट वेल्ड टेंशन में फेल होता है, लिखिए बट वेल्ड टेंशन में फेल होता है, बट वेल्ड टेंशन में फेल होता है। ये समझ आ रहा है ना फिगर। अब देखिए लैप क्या था, लैप लैप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ था तो सीयर में फेल हुआ था, लेकिन ये तो सटा हुआ है ना, सटा हुआ है, किस में फेल होगा, एक टूट जाएगा बीच से, तो किस में फेल होगा, टेंशन। लेकिन लैप जॉइंट तो इससे ज़्यादा मजबूत होगा, मजबूत तो स्ट्रेंथ निकाल कर खुद पता कर सकते हैं। ऐसे भी देखा जाए तो मान लीजिए इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लैप लैप में तो मजबूत इसलिए होता है कि इसका दो रीजन है, एक तो लैपिंग है, दो हाँ दो जगह वेल्ड हो जाता है, बाकी आप स्ट्रेंथ निकाल कर पता कर लेंगे कौन सा। लेकिन है लैप नहीं, हाँ लेकिन सुविधा सुविधा के अनुसार किया था ना, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है। नहीं नहीं नेचुरल झरना नहीं। अगला लिखिएगा, लिखिए टाइप ऑफ बट वेल्ड, टाइप ऑफ बट वेल्ड, आपको बट वेल्ड लैप 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 दिखाई दे रहा है, लैप वेल्डिंग फ्लेट वेल्डिंग दिखाई दे रहा है, देख लीजिए यहाँ पर वही है फ्लेट वेल्डिंग। लैब कहीं दिखाई देगा, लैब दिखा दें, उस रूम में दिखाएंगे लैब, जिस रूम में हम थे उस रूम में बांस, यदि यहीं बेल्डिंग करके दो को जो जोड़ दिया गया रहता तो क्या हो जाता, वो बट जोड़ हो जाता, बट वहाँ दिखा था। हाँ भाई वो क्या है, लिखिएगा टाइप ऑफ बट वेल्ड, लिखिए लिखिए टाइप ऑफ, टाइप ऑफ बट वेल्ड, लिखिएगा पैरेंट मटेरियल में, लिखिए पैरेंट मटेरियल में, और लिखिए पैरेंट मटेरियल में बिल्ड मटेरियल के धसने के अनुसार,
देखिए पेरेंट मटेरियल में बिल्ड मटेरियल के धंसने के अनुसार, पेरेंट मटेरियल में बिल्ड मटेरियल के धंसने के अनुसार बट वेल्ड दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बट वेल्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। पेनिट्रेट मतलब होता है धंसना, पेनिट्रेट मतलब क्या होता है, धंसना होता है, ठीक है। हाँ दूसरा लिखिएगा कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, यानी अपूर्ण धसाव बट वेल्ड, अपूर्ण धसाव बट वेल्ड। दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्ण धसाव बट वेल्ड, ठीक है। लिखिए हो गया तो लिख। पेनिट्रेट मतलब होता है धसना। अगला लिखिए, पहला हेडिंग डालिए कहाँ से रहे भाई, क्या सोच के कहाँ से रहे हैं, ग्रहण आ रहा है क्या। लिखिए जब वेल्ड करने के दौरान, लिखिए इसमें लिखिएगा जब वेल्ड करने के दौरान, जब वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल जब वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक नहीं पहुंचती है, पूरी गहराई तक नहीं पहुंचती है तो इसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड कहते हैं। दूसरा हेडिंग लिखिए कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। इसका फिगर बनाइए, फिगर अभी बहुत ज़्यादा बनाएंगे, घबराइए मत, आपको शिकायत कहाँ करना, अभी चलाक मार देंगे वे, कहते हैं तब हम बोलते हैं मत बोला करिए ना। लिखिए कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, जब न्यूमेरिकल लग जाए, न्यूमेरिकल लगाते हुए बात करिए, हम रोकते नहीं हैं। वही चीज़ लिखिए जब वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक चली जाए या पूरे गहराई तक धंस जाए तो उसे कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड कहते हैं। अब फिगर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फिगर बना है भाई इसमें। तो वही वाला लिखना है जब पूरी गहराई तक धंस जाए, जब वेल्ड करने के दौरान वेल्ड मटेरियल पूरी गहराई तक धंस जाए तो उसे कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड कहते हैं। फिगर बनाइए, दो सारणी बनाइए, ओए अब बनाइए। अब देखिएगा इलेवेशन बना रहे हैं, इसकी मोटाई दिख रही है, ओए मोटाइयाँ दिख रही हैं, ठीक है। एकदम आ सकता है, कहाँ नहीं आया, किसमें एडवांटेज है, बिल्डिंग और रिवेट का कंपेयर ना। हाँ बिल्डिंग और रिवेट का कंपेयर करना हो तो बिल्डिंग के बाद में कराएंगे, अरे उतना तो आप खुद कर सकते हैं भाई, छोटे छोटे टॉपिक, बड़े बड़े क्लास में छोटे छोटे टॉपिक छूटते रहते हैं।
अब रिवेट और बेल्ट में क्या अंतर है? रिवेट को जब रिवेट में जब वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ टेम्परेचर मिलेगा, रिवेट में टेम्परेचर नहीं मिलता है, लेकिन रिवेट में ज़्यादा शोर करता है, वेल्ड में ज़्यादा शोर नहीं करता है। रिवेट को कोई भी लगा सकता है लेकिन वेल्डिंग कोई नहीं कर सकता, ये सब अंतर है। तो ये सब बाद में बताएंगे, नहीं भी कराएं तो इतना आप खुद लिख सकते हैं। हाँ रिवेट हम तो बेल्ट पढ़ाने के बाद लिखवाएंगे भाई। ए लिखिए सिंगल जे बट बेल्ट। ए देखिए जे की तरह बनाना है, बनाइए सिंगल जे बट बेल्ट। अब मिलेगा बुक से, ए मिलेगा, फिगर हो सकता है मिले, फिगर बुक से मिलेगा। सिंगल यू बट बेल्ट, सिंगल यू बट बेल्ट। सिंगल भी बट बेल्ट। ओए बना रहे कि नहीं सब लोग? सिंगल बेवेल बट बेल्ट ठीक है, चार ही होता है, एक और होता देखिए डबल जे बट वेल्ड। अपन लिखिए भाई, बनाइए डबल भी बट बेल्ट, जो ये इधर सिंगल है और इधर किधर है डबल है। डबल बेवल एक कौन सा है वो तो स्क्वायर बट बेल्ट है। हाँ वही है। चलिए इतना बनाइए अब समझ लीजिए तो नहीं बना लीजिए, बना फटाक से बनाइए इसको। अरे हट रहे हैं ना हटी। अभी देखिए इसमें क्या करना है, वेल्डिंग तो किए नहीं, अब वेल्डिंग कर देते हैं। देखिएगा अब देखिए इनकम्प्लीट में पूरे गहराई तक नहीं जाएगा, एक ही तरफ से कटा हुआ है ना तो यहीं तक आएगा। ऐसा करिए बेल्ट देखिए इसमें पूरी गहराई तक नहीं लेके जाना है, इतना वेल्ड करिए देखिए। और इसमें क्या करेंगे, पूरी दोनों तरफ से वेल्ड कर देंगे कि नहीं कर देंगे? दोनों तरफ से कटा हुआ है ना दो, अरे हाँ कहिए भाई, दोनों तरफ से कटा हुआ है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ वेल्ड करेंगे तो पूरी गहराई में पहुँच जाएगा, जबकि इसमें पूरे गहराई तक नहीं पहुँच पाएंगे, एक ही तरफ से वेल्ड कर पाएंगे। बस हो गया, करिए वेल्डिंग करिए फटाक से।
कहाँ फील हुआ? अरे दोनों तरफ से बेल्ट लगा देंगे, दोनों तरफ से कटा हुआ है कहाँ? अरे कटा हुआ है, नहीं देख रहे हैं, सीधे सीधे कटा हुआ है। हाँ 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 हाँ, देखिए थोड़ा पहले रुक गया, बीच में तो जॉइंट वो मिल ही नहीं पाएगा। तो वही तो बेल्ट मटेरियल भरेंगे। हाँ गोल गोल करिए। हाँ हाँ हाँ, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों बेल्ट कर देंगे। देखिए इस एक सिंगल में ऊपर से करेंगे तो देखिए पूछ के नीचे लिखने लगे। और यहाँ देखिए यहाँ से करेंगे तो क्या, यहाँ देखिए ऊपर खाली है ना, तो क्या नीचे बेल्ट लिख जा पाएगा? तो खाली आधा ही भरेगा है ना, लेकिन नीचे भी खाली कर देंगे ऊपर भी खाली कर देंगे। अब नीचे वाला उंगली कैसे कम करें? अब ये दोनों तरफ से बेल्ट कर देंगे कि नहीं? एकदम भर जाएगा तो कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे एक लिख लीजिएगा स्क्वायर, स्क्वायर लिखिएगा वो, इसके नीचे लिखिएगा स्क्वायर बट बेल्ट, बस ऐसे बना के लिख ली। एकदम सटा रहता है ना, एकदम सटा रहेगा वो, एकदम सटा रहता है भाई की बेल्ट मेटे बेल्डिंग अच्छा आसानी से कर दें, पूरे गहराई तक चला जाए। जहाँ हमको कम लोड की ज़रूरत होगी छोटा सा सिंगल कर देंगे, क्यों फालतू में ज़्यादा करेंगे? हाँ वो तो सटा तो रहेगा ही, एकदम सटा ही रहेगा, लेकिन वो तो इतना गलन क्षेत्र घुस जाएगा उसके अंदर। वेल्डिंग जिसे करते हैं अब को क्या होता है हमसे नहीं मतलब, मैकेनिकल वाले पढ़े कि कितने प्रकार का वेल्डिंग होता है, किस मटेरियल से करते हैं, वो हम लोगों का मतलब नहीं है। जो सफ़ेद वाला होता है किसका बना रहता है हमसे कोई लेना देना नहीं। इसको एक इसको बना लीजिएगा स्क्वायर बट वेल्ड, हो इसको बना लीजिएगा स्क्वायर बट वेल्ड, नीचे ही बना लीजिएगा, ये भी एक टाइप होता है, इस बट वेल्ड का ही टाइप है, ये दोनों किसी एक का टाइप नहीं है, स्क्वायर बट वेल्ड होता है अलग से। इसके नीचे बना लीजिएगा एक, इसको पैक करके बना लीजिएगा, पैक करके स्क्वायर बट वेल्ड एक होता है। जल्दी बनाइए जल्दी फटाक से। हम न कि आप लोगों को कभी मोटिवेट करते हैं? जो इंसान का कंडीशन होता है वही मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देने से कभी नहीं होता। आप लिखिएगा अगला, लिखिएगा स्पेसिफिकेशन ऑफ बट वेल्ड। अब स्पेसिफिकेशन बोलेंगे लिखिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ बट वेल्ड, स्पेसिफिकेशन ऑफ बट वेल्ड। अरे को एक ही बात हुआ भाई, बात करते हैं, लिखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ, स्पेसिफिकेशन ऑफ बट वेल्ड। बट वेल्ड की विशिष्टियाँ, स्पेसिफिकेशन मतलब होता है विशिष्टियाँ। अब लिखिए कंठ मोटाई, पारा लिखेगा इसमें थ्रोट थिकनेस। अब स्ट्रेंथ आप फिलेट बट वेल्ड तक जाएंगे, उसमें भी गए थे ना, इसमें लिखिए कंठ मोटाई थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस ठीक है, उसमें ए लिखिएगा फार फार कंप्लीट पेनेट्रेशन, कंप्लीट पेनेट्रेशन बट वेल्ड। कंठ मोटाई इक्वल टू टी किससे दिखाएंगे? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, अभी बता रहा हूँ, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। दूसरा लिखेंगे फॉर इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन बट वेल्ड,
स्मॉल टी इज इक्वल टू 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ओए समझिएगा, यदि कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल है ना, मान लेते हैं कोई एक टाइप बना दे रहे हैं, डबल भी टाइप है, ठीक है, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड है, तो इसमें बेल्ट मटेरियल क्या है, दोनों तरफ से घुसा रहेगा, तो जो इसमें कंठ मोटाई होता है ना, वो पूरी प्लेट की मोटाई का क्या होगा, बराबर होगा, कंठ मोटाई होगा क्या होगा, पूरी प्लेट की मोटाई के बराबर। इसमें नहीं ना ताम झाम मिलेगा, कण रूट इसमें तो मिलेगा नहीं, कि उसमें सबसे कमज़ोर एरिया को देखें, इसकी जो मोटाई होगी वही कमज़ोर होगी, तो उसी को ले लेंगे कंठ मोटाई। एक किसके लिए है, एक कंप्लीट के लिए है। अब देखिएगा, यदि पतली प्लेट हो, दो में से एक पतली प्लेट हो भाई, दो में से क्या हो, एक पतली प्लेट हो, तब बताइएगा दो में से क्या हो, एक पतली प्लेट हो, तो अब बेल्ट मटेरियल इतना ही दूर रहेगा ना, तब किसकी प्लेट की मोटाई के बराबर लेंगे, पतली प्लेट का इतना ही मोटाई होगा, यहाँ तो जा नहीं पाएगा, इसलिए थिनर प्लेट लिए हुए हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब यदि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड है, यानी एक ही तरफ से इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, एक ही तरफ से ए सिंगल भी बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तो पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा, तब आपका प्रभावी गहराई इतना ही मिलेगा, कंठ मोटाई इतना ही मिलेगा। वो IS कोड कितना बताया है कि ये जो प्रभावी कंठ मोटाई है ना, वो 5/8 गुणे पतली प्लेट की मोटाई है। यदि दोनों प्लेटों की मोटाई समान है तो पतली प्लेट मोटी प्लेट होगा ही नहीं, सेम प्लेट की मोटाई हो जाएगी। तो कितना, यदि इनकम्प्लीट है तो 5/8 गुणे प्लेट की मोटाई, समझ आ रहा है, बस नोट कर लीजिए इसको। हाँ हाँ कहिए। तो कोई सेम है तो क्या है, एक मोटाई लेना है बस आपको। हाँ, मैक्सिमम में सेम ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम ही सिर्फ मिल, डिफरेंट भी मिलता है। कल इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, अभी बाकी है, भागिएगा वहाँ। अगला लिखिएगा प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। अगला इन्हें लिखिए इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई, पूरा दिन रात लग जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन पर भी वीडियो डालना है, यूट्यूब पर भी वीडियो डालना है। हाँ क्या रुपए, हाँ अरे मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में सब एक भी नहीं आएगा, एग्ज़ाम में बस मतलब कि न्यूमेरिकल आएगा, टाइप आ जाएगा, टाइप बताइए, लिखिएगा प्रभावी लंबाई बताइए, लिखिए प्रभावी लंबाई, लिखिएगा बट वेल्ड में प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है। कोई बात नहीं, बट वेल्ड में प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है, प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर लिया जाता है। यानी इफेक्टिव लेंथ स्मॉल एल इजकल टू एक्चुअल लेंथ यानी कैपिटल एल, लिख लीजिए। यहाँ गर्मी हो रहा है, अगला लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल, एक्चुअल लेंथ में वास्तविक लंबाई ना,
देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड लिखेगा पीटी इक्वल टू, समझिएगा स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस। भाई प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल ही तो होता है, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, देखिए यही ना प्लेट, तो इसकी कंठ मोटाई हो गई, यानी मोटाई किसका हो गया और लंबाई, एरिया मिल गया, और कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टी इंटू एल इंटू एफ टी, तो पी टी इज इक्वल टू एल टी एल एफ टी, बस नोट कर लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेस लिख लीजिएगा। हाँ अब कल इस पर न्यूमेरिकल लगा देंगे, हाँ और एड्रेस पहन के नहीं आए हो तो लगवा देते आज, क्योंकि 10:30 होने वाला है ना, कम से कम जाइए।